नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल लोकस पॉइंट ऑफ करियर में। दोस्तों, हमारे मैकेनिकल सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स और हमारे प्यारे सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट पर आज मैं लेकर आया हूं अप्लाइड थर्मो की यूनिट 4 के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की कम्प्लीट वीडियो लेक्चर सीरीज। और इस सीरीज़ में करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिट 4 के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं 8 लेक्चर में कम्प्लीट करने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो लेक्चर की सीरीज के पहले लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा मैक नंबर एंड इट्स प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस। सेकंड लेक्चर में डिस्कस करूंगा डिफिनीशन, प्रिंसिपल, टाइप्स ऑफ नोजल एंड डिफ्यूजर विद देयर कंपैरिजन। सिमिलरली थर्ड लेक्चर में मैं टाइप्स ऑफ स्टीम टर्बाइन को डिस्कस करूंगा। फोर्थ लेक्चर में मैं कंपाउंडिंग इन इम्पल्स टर्बाइन को डिस्कस करूंगा। हालांकि ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है, इसमें 3 कंपाउंडिंग्स होती हैं इम्पल्स टर्बाइन में, तो इस टॉपिक को मैं 2 लेक्चर में या 2 पार्ट में कवर करने की कोशिश करूंगा। लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। फिफ्थ लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम फॉर मूविंग ब्लेड ऑफ इम्पल्स टर्बाइन। सिक्स्थ लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा परफॉर्मेंस पैरामीटर ऑफ इम्पल्स टर्बाइन, जैसे कि ब्लेड इफिशेंसी है, स्टेज इफिशेंसी है, पावर है, वर्क है, ठीक है, ब्लेड स्पीड रेशियो है, तो सभी परफॉर्मेंस पैरामीटर को मैं 6th लेक्चर में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। 7th लेक्चर में मैं डेरिवेशन ऑन कंडीशन फॉर मैक्सिमम ब्लेड इफिशेंसी फॉर इम्पल्स टर्बाइन, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस वीडियो लेक्चर को मिस मत करिएगा। और 8th लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, न्यूमेरिकल को मैं डिस्कस करूंगा बहुत ही स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में, मैं न्यूमेरिकल को डिस्कस करूंगा। तो इस तरीके से मैं यूनिट 4 के सभी टॉपिक्स को 8 लेक्चर में या 9 लेक्चर में मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो लेक्चर में, जिसका नाम है मैक नंबर एंड इट्स प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस। सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मैक नंबर क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ मैक नंबर। मैक नंबर इज अ पैरामीटर विच कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ फ्लूइड टू द स्पीड ऑफ साउंड, और वी कैन से रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ जेट टू द स्पीड ऑफ साउंड। मीन्स जब हम साउंड की स्पीड के रिस्पेक्ट में किसी भी जेट प्लेन की स्पीड और किसी भी फ्लूइड की स्पीड को हम मेजर करते हैं, तो उस पैरामीटर को हम मैक नंबर से डिफाइन करते हैं। मैक नंबर इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ फ्लूइड टू द स्पीड ऑफ साउंड। साउंड के रिस्पेक्ट में हम जब फ्लूइड की स्पीड को या जेट प्लेन की स्पीड को डिफाइन करें तो मैक नंबर कहते हैं। आई थिंक आपको याद हो गया होगा, ठीक है। नाउ मैक नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। मैक नंबर को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। मैक नंबर क्या है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि मैक नंबर एक रेशियो है, किसका? स्पीड का, ठीक है। और जब डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों में ही स्पीड है तो डायमेंशंस कैंसिल आउट हो जाती हैं, और जो हमारी मैक नंबर पैरामीटर है वो डायमेंशनलेस पैरामीटर कहलाता है, ठीक है। नाउ फॉर्मूला ऑफ मैक नंबर। सो मैक नंबर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ फ्लूइड अपॉन स्पीड ऑफ साउंड। अगर हमें मैक नंबर फाइंड आउट करना है और अगर हमें स्पीड ऑफ फ्लूइड गिवन है, स्पीड ऑफ साउंड गिवन है, तो इन दोनों का हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो हमारा मैक नंबर कैलकुलेट हो जाएगा। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज फिक्स्ड एंड इक्वल टू 1235 किलोमीटर पर आर और 761 माइल पर आर। जो साउंड की स्पीड है एयर में, क्योंकि साउंड की स्पीड मीडियम टू मीडियम वेरी करती है, एयर में साउंड की स्पीड 1235 किलोमीटर पर आर होती है, और अगर हम माइल्स पर आर में बात करेंगे तो 761 माइल्स पर आर स्पीड होती है। एयर में भी अगर हमारी ड्राई एयर है या डेंस एयर है तो स्पीड अलग होगी, और अगर वेट एयर है, ठीक है, तो स्पीड अलग होगी। तो मीडियम के अकॉर्डिंग साउंड की स्पीड वेरी करती है, और एयर में साउंड की स्पीड आप याद कर लीजिए 761 माइल पर आर और 1235 किलोमीटर पर आर होती है, ठीक है। तो साउंड की स्पीड फिक्स होती है। अब अगर हमें किसी भी अदर फ्लूइड की स्पीड निकालनी है तो साउंड की स्पीड की रिस्पेक्ट में जब हम निकालते हैं तो उसे हम मैक नंबर कहते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मैक नंबर एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है जिसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, और ये फ्लूइड की स्पीड और साउंड की स्पीड का रेशियो है, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला भी याद हो गया होगा, और इसी फॉर्मूले से हम मैक नंबर या फ्लूइड की स्पीड को कैलकुलेट करते हैं। अगर फ्लूइड की स्पीड कैलकुलेट करनी होगी तो हमें मैक नंबर गिवन होगा, और अगर मैक नंबर कैलकुलेट करना होगा तो हमें फ्लूइड की स्पीड गिवन होगी, जबकि साउंड की स्पीड जो है वो फिक्स होती है, जिसे हमें याद रखना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस की। सो मैक नंबर इज एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर टू कंपेयर द स्पीड ऑफ एनी फ्लोइंग फ्लूइड और एनी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द स्पीड ऑफ साउंड।
नेक्स्ट नंबर, किसी भी फ्लोइंग फ्लूड या किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को साउंड की स्पीड से कंपेयर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो अ पैरामीटर टू डिनोट द स्पीड ऑफ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट इन एयर मीडियम। एयर मीडियम में किसी भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को डिनोट करने के लिए भी मैक नंबर का यूज किया जाता है, जैसे कि एरोप्लेन्स, फाइटर जेट प्लेन्स, रॉकेट इंजन, फाइटर जेट प्लेन्स, एरोप्लेन्स की स्पीड को, जो कि एयर में फ्लाई होते हैं, इनकी स्पीड को डिनोट करने के लिए भी मैक नंबर का यूज होता है। इसके अलावा फ्लो के टाइप को डिफाइन करने के लिए भी मैक नंबर का यूज होता है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, कौन कौन से फाइटर जेट प्लेन्स हैं जिन, और उन फाइटर जेट प्लेन्स की मैक नंबर कितनी है, ठीक है, आइए देख लेते हैं। तो अगर हमें फाइटर जेट प्लेन्स की स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमें मैक नंबर का पता होना जरूरी है और साउंड की स्पीड का पता होना जरूरी है। साउंड की स्पीड एयर में फिक्स होती है, ठीक है, 761 माइल्स पर आर, और अगर हम बात करें किलोमीटर में तो 1230 किलोमीटर पर आर हमारी साउंड की स्पीड होती है। और मैक नंबर आपको गिवन होगा, अगर मैक नंबर गिवन है, साउंड की स्पीड में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें उस प्लेन की या उस फाइटर प्लेन की स्पीड को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो वर्ल्ड का जो फास्टेस्ट फाइटर जेट प्लेन है, उसका नाम है नॉर्थ अमेरिकन X-15। ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट जेट प्लेन है, जो कि नासा के द्वारा बनाया गया था, और इसकी जो टॉप स्पीड है वो 6.7 मैक नंबर है, यानी अगर उसको माइल पर आर में कैलकुलेट करें तो 4520 माइल पर आर, और अगर किलोमीटर की बात करेंगे तो 8000 किलोमीटर पर आर के आसपास इसकी स्पीड आती है, ठीक है। सो इट इज़ अ फास्टेस्ट फाइटर जेट प्लेन इन वर्ल्ड। तो आप ज़ूम करके देखिए कि नॉर्थ अमेरिकन X-15 फाइटर जेट प्लेन साउंड की वेलोसिटी से 6.7 टाइम्स हाई वेलोसिटी से फ्लाई करता है। कितनी ज़्यादा तेज फ्लाई करता होगा, सोच के देखिए एक बार, ठीक है। 4520 माइल्स पर आ रहा है, ये इसका इमेज है, आप देख सकते हैं, ये है हमारा नॉर्थ अमेरिकन X-15 वर्ल्ड फास्टेस्ट फाइटर जेट प्लेन, जिसका मैक नंबर 6.7 है। तो आपको याद रखना है, इंटरव्यू वगैरह में पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सुखोई अभी न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा था, अभी राफेल लिया गया, भारत ने राफेल लिया फ्रांस से, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा है और न्यूज़ में रहा है। तो इन सब फाइटर जेट प्लेन का मैक नंबर आपसे पूछ सकता है इंटरव्यू में, वाइवा में, तो आपको ये याद होना चाहिए। वर्ल्ड का फास्टेस्ट फाइटर जेट प्लेन क्या, कौन है, उसका मैक नंबर क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और अदर एग्जाम्पल की अगर बात करें तो वर्ल्ड का जो सेकेंड फास्टेस्ट फाइटर जेट प्लेन है, उसका नाम है लॉकहीड SR-71 ब्लैक बर्ड, ये इसका इमेज है, आप देख सकते हैं, ये भी अमेरिका का ही है, US का ही फाइटर जेट प्लेन है, जो कि वर्ल्ड का सेकेंड फास्टेस्ट फाइटर जेट प्लेन है, और इसका जो मैक नंबर है वो है 3.3 मैक नंबर, यानी कि ये जो ब्लैक बर्ड फाइटर जेट प्लेन है वो साउंड की वेलोसिटी से 3.3 टाइम्स ज़्यादा तेज फ्लाई करता है। अगर माइल्स पर आर में बात करेंगे तो 2511 माइल्स पर आर इसकी स्पीड होती है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सुखोई की, क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में रहा है और ये रूस द्वारा भारत को दिया गया है। तो सुखोई SU-30 MKI ये भारत को दिया गया था, और इसके मैक नंबर की बात करें, ये इसका इमेज है, आप इमेज भी दे सकते हैं, सबको हालांकि पता होगा लेकिन फिर भी आप एक बार इमेज देख लेंगे तो आपको याद रहेगा कि सुखोई फाइटर जेट प्लेन कैसा होता है, ठीक है। सो इसका मैक नंबर कितना होता है देख लेते हैं, तो सुखोई 30 MKI का जो मैक नंबर है वो है 2.0, यानी कि सुखोई जेट प्लेन जो है, जो भारत को मिला है, ये साउंड की स्पीड से दुगनी स्पीड से ये फ्लाई कर सकता है, ठीक है। अगर हम माइल्स पर आर की अगर बात करें तो 1522 माइल्स पर आर इसकी स्पीड है। तो अगर हम फास्टेस्ट फाइटर जेट प्लेन से कंपेयर करें, जिसका मैक नंबर 6.7 है, तो उसकी स्पीड के कंपेरिजन में तो सुखोई की बहुत कम है, लेकिन किसी भी फाइटर प्लेन को हम उसकी स्पीड से केवल मेजर नहीं कर सकते कि वो कितना शक्तिशाली है। अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि कोई फाइटर प्लेन कितना पावरफुल है, तो केवल स्पीड नहीं बल्कि उसकी कैपेसिटी, उसकी रेंज, और उसमें कितने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी यूज हो रही हैं, उस पर उस फाइटर जेट प्लेन की पावर डिपेंड करती है, ठीक है। तो सुखोई एक पावरफुल फाइटर जेट प्लेन है। सो दिस इज आवर फर्स्ट प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मैक नंबर इन विच वी कैन डिटरमाइन द स्पीड ऑफ फाइटर जेट प्लेन्स। नाउ सेकेंड प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मैक नंबर। सो मैक नंबर इज ऑल्सो यूज टू डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ फ्लूड फ्लोइंग, मीन्स मैक नंबर का यूज फ्लूड फ्लो के टाइप को डिटरमाइन करने के लिए भी यूज होता है। अकॉर्डिंग टू मैक नंबर देर आर फोर टाइप्स ऑफ फ्लूड फ्लो। फर्स्ट वन इज सबसोनिक। अगर मैक नंबर की वैल्यू एक से कम है, इसका मतलब
कि फ्लूइड की स्पीड साउंड की स्पीड से कम है तो उस फ्लो को हम सबसोनिक फ्लो कहेंगे और वेलोसिटी को हम सबसोनिक वेलोसिटी कहते हैं। नाउ सेकेंड टाइप इज सोनिक फ्लो। अगर मैक नंबर एक के बराबर है, वन के बराबर है, इसका मतलब क्या है कि फ्लूइड की स्पीड साउंड की स्पीड के बराबर है तो उस फ्लो को हम क्या कहेंगे, सोनिक फ्लो। सोनिक मतलब क्या होता है, साउंड। तो अगर फ्लूइड की स्पीड साउंड की स्पीड के बराबर है तो मैक नंबर वन आएगा, और अगर मैक नंबर वन आएगा तो उस फ्लो को हम सोनिक फ्लो कहते हैं, ठीक है, और स्पीड को हम क्या कहेंगे, सोनिक स्पीड। नाउ थर्ड टाइप है सुपरसोनिक फ्लो, जिसमें मैक नंबर कितना होता है, एक से ज़्यादा, वन से अगर ज़्यादा है मैक नंबर तो उस फ्लो को हम सुपरसोनिक फ्लो कहेंगे, जिसमें फ्लूइड की वेलोसिटी साउंड की वेलोसिटी से ज़्यादा होगी, तभी मैक नंबर, जब फ्लूइड की वेलोसिटी साउंड की वेलोसिटी से ज़्यादा होगी तभी मैक नंबर एक से ज़्यादा आएगा, और जब मैक नंबर एक से ज़्यादा आएगा, वन से ग्रेटर देन होगा, तो उस फ्लो को हम सुपरसोनिक फ्लो और वेलोसिटी को हम सुपरसोनिक वेलोसिटी कहते हैं। एंड फोर्थ और लास्ट टाइप है हमारा हाइपरसोनिक फ्लो, जिसमें मैक नंबर की वैल्यू 5 से ग्रेटर देन होती है, यानी कि जब किसी फ्लूइड की वेलोसिटी या फ्लूइड की स्पीड साउंड की स्पीड से 5 टाइम्स से ज़्यादा होती है तो उस फ्लो को हम हाइपरसोनिक फ्लो और उस स्पीड को हम हाइपरसोनिक स्पीड कहते हैं। तो दीज आर 4 टाइप्स ऑफ फ्लो, सबसोनिक फ्लो, सोनिक फ्लो, सुपरसोनिक फ्लो एंड हाइपरसोनिक फ्लो, जिसमें आप मैक नंबर देख सकते हैं, और इन्हीं फ्लो के अकॉर्डिंग हमारे प्लेन्स की स्पीड और प्लेन्स के नेम भी डिफाइन होते हैं, ठीक है। जो हमारा पैसेंजर प्लेन है, पैसेंजर प्लेन की जो स्पीड है वो सबसोनिक होती है या सोनिक होती है, यानी जो हमारा पैसेंजर प्लेन है या तो साउंड की स्पीड के बराबर फ्लाई करेगा या उसकी स्पीड साउंड की स्पीड से कम होगी, यानी कि साउंड, यानी कि जो पैसेंजर प्लेन्स हैं इनकी स्पीड की जो रेंज है वो सबसोनिक और सोनिक स्पीड के बराबर होती है, ठीक है। और जो हमारे फाइटर जेट प्लेन्स हैं इनको सुपरसोनिक प्लेन्स भी कहते हैं, क्योंकि इनकी स्पीड, जितने भी फाइटर जेट प्लेन्स हैं, चाहे आप राफेल की बात करें, सुखोई की बात करें, ठीक है ना, ब्लैकबर्ड की बात करें, इन सभी की स्पीड जो है वो साउंड की स्पीड से ज़्यादा है, उनका मैक नंबर एक से ज़्यादा ही होगा, और इसीलिए जितने भी फाइटर प्लेन्स होते हैं इनको सुपरसोनिक प्लेन भी, जेट प्लेन्स भी कहते हैं। और जो वर्ल्ड का फास्टेस्ट जेट प्लेन है, इसका नाम है नॉर्थ अमेरिकन XR-15, उसका मैक नंबर 6.5 था, यानी कि 5 से ज़्यादा था मैक नंबर, इसीलिए उस फाइटर जेट प्लेन को हाइपरसोनिक जेट प्लेन कहते हैं। तो अगर किसी इंटरव्यू में या किसी वेब में आपसे पूछ लिया जाए कि गिव द नेम ऑफ हाइपरसोनिक जेट प्लेन, तो उसका नाम है नॉर्थ अमेरिकन XR-15, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो जो हमारा नॉर्थ अमेरिकन XR-15 फाइटर जेट प्लेन है वो हाइपरसोनिक जेट प्लेन है, सॉरी, और बाकी जितने भी फाइटर जेट प्लेन हैं, राफेल, सुखोई, MiG-31, ठीक है, ये सभी सुपरसोनिक जेट प्लेन्स हैं। और जो हमारे पैसेंजर प्लेन और ट्रांसपोर्टेशन प्लेन्स हैं वो सोनिक और सबसोनिक प्लेन्स होते हैं, क्योंकि उनकी वेलोसिटी या तो साउंड की वेलोसिटी के बराबर होगी या उससे कम होगी, ठीक है। और इसी प्रकार से ये 4 प्रकार के फ्लो भी होते हैं, ठीक है, सबसोनिक फ्लो, सोनिक फ्लो एंड सुपरसोनिक फ्लो और हाइपरसोनिक फ्लो। तो दिस इज़ अ प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मैक नंबर, और मैक नंबर का बहुत बड़ा यूज़ है रिसर्च वगैरह में और फाइटर जेट प्लेन्स में, मैक नंबर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो मैक नंबर के बारे में आप, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज़ प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ नोजल एंड डिफ्यूजर विद देयर कंपैरिजन। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।